कॉमर्स बाय पाठक सर में आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, स्मॉल स्केल बिजनेसेस से रिलेटेड जो पार्ट था इस चैप्टर का वो ओवर हो गया है और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं तो सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। देखिए क्या होता है, जब कोई बिजनेस शुरू करता है तो एकदम से दुकान खुली खुलाई नहीं, सबसे पहले उसके मन में एक आइडिया विचार ना, एड देखी होगी आपने, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो ऐसा ही कोई लाइफ चेंजिंग आइडिया उसके माइंड में आता है, उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर। मेरे मन में आइडिया आया है कि आई विल सेट अप अ कंपनी, मुझे कंपनी सेटअप करनी है। ठीक है, जो मोबाइल फोन्स को बनाएगी, दिस इज एन आइडिया। और आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट, कंपनी को वास्तव में लगा। अब मैं आज यहां हूं जब माइंड में सिर्फ आइडिया, ठीक है, और कल कंपनी में होगा जब कंपनी लग चुकी होगी। जो ये फासला मैंने तय किया, यानी कि ये आइडिया से रियलिटी का फैसला जो मैंने तय किया, इसमें बहुत सारे मैंने काम किए हैं, है ना, बहुत सारे। क्या क्या काम हो सकते हैं, कहीं मैंने सोचा कि बिजनेस यूनिट कहां सेटअप किया जाए, कहीं मैंने सोचा रॉ मटेरियल कहां से आएगा, कहीं मैंने सोचा फाइनेंस कहां से आएगा, कहीं मैंने सोचा लैंड कहां मैं लूं, बिजनेस का क्या नाम होगा, किस फॉर्म में होगा, बहुत सारी बातें। और सोचना ही नहीं, वो सब कुछ करना भी, वो लिंक्स बनाने भी, चीजों को मैनेज भी करना, प्रोडक्शन रियलिटी में स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती। ठीक है, यानी कि बिजनेस सेटअप करने से पहले बहुत सारी चीजें एक व्यक्ति करता है जो बिजनेस शुरू करता है। जो ये काम किया, बिजनेस के आइडिया को लेकर जो उसे रियलिटी में कन्वर्ट किया, जितना ये काम मैंने किया, इसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। इसे क्या बोलेंगे हम, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता। ठीक है, बात हुआ क्या, एंटरप्रेन्योरशिप करने वाला व्यक्ति उसे बोलेंगे एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर उद्यमी। उसने किया है एंटरप्रेन्योरशिप पर की, एंटरप्रेन्योरशिप की, और रिजल्ट क्या निकला, मेरी कंपनी लग गई जिसे मैं क्या कहूंगा एंटरप्राइज। ठीक है, ये तीन चीजें बड़ी मिलती जुलती है, तीनों का डिफरेंस समझना जरूरी है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक काम जो किसे करना है, एंटरप्रेन्योर। ये कौन सा काम है, एक आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो जो उसने रिसोर्स को मैनेज किया, उस रिसोर्स को मैनेज करके प्रोडक्शन स्टार्ट की फॉर सेलिंग या डिलीवरिंग टू द कस्टमर। ये सारे के सारे की एंटरप्रेन्योरशिप है। और ये काम करने से मुझे मिला गया, मेरी कंपनी सेट जिसे एंटरप्राइज कहते हैं। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप कब शुरू हो जाता है काम, जब बिजनेस शुरू भी नहीं होता, उससे पहले एंटरप्रेन्योरशिप का मेजर रोल। ऐसा नहीं कि शुरू होने के बाद खत्म हो जाएगा, वो अरेंज तो तब तक करता रहेगा जब तक बिजनेस चल रहा है, लेकिन मेजर काम एंटरप्रेन्योर का कब से कब तक है, आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने तक।
ठीक है बात। अब हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। भारत में ये बहुत कम है, ज्यादातर लोग क्या चाहेंगे, जो बच्चे दे नीड टू गेट ए गुड जॉब, बट एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भारत में सोच ही नहीं। तो बहुत जरूरी है कि लोगों में ये फीलिंग डाले। गवर्नमेंट सरकार बहुत सारी मदद करती है, जो नए लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे मिशन है सरकार का स्टार्टअप इंडिया, ये इसको पढ़ाऊंगा मैं इसमें चैप्टर में आगे। ठीक है, जो खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो खुद का काम करना चाहते हैं, ठीक है, जो आइडिया उनके बन गए उसको रियलिटी में कर, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप है। और ऐसी स्किल सिखाने का काम, चाहे वो टीचिंग से हो, ठीक है, चाहे किसी तरह की प्रैक्टिस से हो, उसे क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक हो गई बात। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में करने से पहले हम आपको बता दें कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक बहुत ही बड़े लेवल, ठीक है, बहुत ही बड़े लेवल पर क्या हो रहा है, उसको डेवलप करने पर इंडिया में काम हो रहा है। इसीलिए प्राइवेटाइजेशन को भी बढ़ावा दे रहा है कि लोग अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश करें, ताकि सरकार पर दबाव कम बने एम्प्लॉयमेंट के, ठीक है ना बात। तो आइए बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या है। तो करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, पहली फीचर हम इसमें कहेंगे नंबर एक कि ये सिस्टमैटिक, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, सिस्टमैटिक प्रोसेस। कैसे प्रोसेस है, सिस्टमैटिक, जो एक सिस्टम से होगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये तो कुछ भी कैसे भी हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, नहीं, ये एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी है जिसे सिस्टम से करना है। पहला काम क्या है, बिजनेस सेटअप करना। उसको सेटअप करने के लिए जो जो काम कर रहे हो वो सिस्टम से, ठीक है ना बात। एंटरप्रेन्योरशिप बात तो ना करोगे, क्लियर होगी बात। तो एंटरप्रेन्योरशिप ये सिस्टमेटिक एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप होती है, और इसका मतलब होता है कि हम क्या करें, अपने आइडिया को रियलिटी में करें। दूसरा, लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी, लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। लीगल एक्टिविटी है, कानून में अलाउड है, आपको किसी भी तरह की लीगल जो है इसमें प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा। लो इसको परमिट करता है, आप लीगल स्टेप कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। और पर्पस जो है, क्योंकि इसका पर्पस है कि आपको अपने बिजनेस यूनिट यानी कि एंटरप्राइज क्या करनी है, सेटअप करना, क्लियर होगी बात। तो इसके अलावा हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट, इनोवेशन। इनोवेशन क्या है, इनोवेशन होता है कुछ नया करना, है ना। जब भी आप कुछ एंटरप्राइज सेटअप करते हो तो आपके मन में ये होता है कि कुछ नया करो, लोगों को कुछ नया दो, कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो लोगों को ज्यादा सेटिस्फाई कर सके, है ना। तो नए नए आइडिया तो माइंड में आते हैं, और नए नए जो विचार आप रखते हो, इसी को नाम क्या है, इनोवेशन या
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। आप वो सारे के सारे एलिमेंट्स, चाहे वो ह्यूमन बॉडीज हुई या आपका फिजिकल रिसोर्सेज हुए, लैंड लेवल कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप चार चीजें दी है ना, तो प्रोडक्शन को करने के लिए जितने भी कॉम्पोनेंट्स की, जितने भी रिसोर्सेज की आपको आवश्यकता है, वो सबको ऑर्गेनाइज करना, सबको इकट्ठा करना, सबको इस तरीके से असेंबल करना कि प्रोडक्शन कर सके, वो किसका काम है? एंटरप्रेन्योरर का। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं ये क्या करता है, प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करता है। उसके बाद हम चलेंगे रिस्क एलिमेंट। रिस्क भी उठाता है मेरे लिए, क्योंकि हर बिजनेस जो किया जाए वो प्रॉफिटेबल हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर बिजनेस जो किया जाए वो प्रॉफिट ही देगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। इट मे बी लॉस। जो बिजनेस शुरू कर रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि लॉस हो जाए, उसकी जो कैपिटल है वो भी डूब जाए, तो इसलिए वो रिस्क एलिमेंट हमेशा बना रहता है इसमें एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं रिस्क एलिमेंट बना रहेगा। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी? इज एन एक्टिविटी बाय विच वी अर्न आवर लिविंग, जिसके द्वारा हम अपनी आजीविका कमाते हैं। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप व्यक्ति क्यों करता है, बिजनेस क्यों सेटअप करता है? क्योंकि उससे अपनी कमाई कर रहे, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक। ठीक है, बात उसके बाद हम कहेंगे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सेवंथ पॉइंट कहेंगे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप करने का एक गोल होगा और हम सारे के सारे जो काम करेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए करेंगे, उस टारगेट को अचीव करने के लिए करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। देन डायनामिक प्रोसेस, एक पॉइंट है डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक क्या होता है, जहां पर एनवायरमेंट लगातार चेंज होता है। हम जानते हैं बिजनेस एनवायरमेंट एक ऐसी चीज है, एनवायरमेंट एक ऐसी चीज है जो बार बार चेंज होगा। कभी प्रोडक्शन के लिए रॉ मेटीरियल कम पड़ेगा, कभी आपकी डिमांड नहीं होगी, कभी सीजनल अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजों को लेकर ही एक एंटरप्रेन्योरशिप चलता है, इसलिए इसे हम डायनेमिक प्रोसेस भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, इसकी फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बाद इसकी नीड और आगे करेंगे इस टॉपिक को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस चैनल के लिंक को आप जहां आपका इच्छा है, जहां आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो वहां शेयर कीजिए, ताकि आप जैसे ही और लोग भी इसका क्या कर सके, फायदा उठा सके। धन्यवाद।